इसमें फंस जाता है। तो इसको थोड़ा ओपन करके ये दिखा देता हूँ आप लोगों, ये देख लीजिएगा ध्यान से। यहाँ पे इसके अंदर जब भी हम प्रिंट मारते थे यहाँ पे आके ये फंस जा रहा है। ये देखिए ध्यान से देखिए, इसके अंदर का जो ये रेड कलर का जो रोलर है ये एक्चुअली में खराब हो चुका है इसका, ये देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ये देखो यहाँ पे रेड लाइट ब्लिंक कर रहा है। तो ये ब्लिंक क्यों कर रहा है? इस पेपर की वजह से, क्योंकि इसके अंदर पेपर फंसा हुआ अभी। तो यह है हमारा एच प्लेजर P1 1108, जैसे आप देख पा रहे हैं वीडियो में। ठीक है, तो कैसे इसको ओपन करते हैं, क्या करते हैं, कैसे इसको ठीक करेंगे, उस चीज़ के बारे में आप लोगों को बताता हूँ गाइज। ये पीछे दो स्क्रू इसके यहाँ होते हैं, ये मैं पहले रिमूव कर चुका हूँ। ठीक है, अब खोलेंगे दोस्तों हम इसका फ्रंट कवर कुछ इस तरह से, यहाँ से इसको ऐसे करके और इस साइड से भी थोड़े ऐसे कर देंगे। अब ये हमारा कवर ओपन हो जाएगा। अब इसको थोड़ा हम उठा के, ये नीचे यहाँ पर लॉक देख रहे हैं आप, जैसे इस लॉक को हम थोड़ा यहाँ से प्रेस करेंगे बाहर को, और ऐसे हमें दूसरे साइड को भी प्रेस करना है। तो गाइस अब जैसे देख पा रहे हैं, ठीक है, तो गाइस जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसको हम यहाँ से ओपन कर देंगे कुछ इस तरह से। अभी हमारा निकल के बाहर आ जाएगा कुछ इस तरह से। माफ कीजिए गाइस, थोड़ा दिक्कत हो रही, कैमरा भी खास से पकड़ना पड़ रहा है यहाँ पे थोड़ा। तो अब चलो अब दिखाता हूँ आप लोगों को कुछ इस तरह से। ये प्रिंटर हमारा दिखता है आगे का पैनल खुलने के बाद। अब गाइस अब हम क्या करेंगे इसमें, इसके ना साइड पैनल खोल देंगे। यहाँ पे इसका लॉक होता है एक, ये इस साइड से एक लॉक ये है, और एक लॉक होता है इसका नीचे कुछ इस तरह से, जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये देख लीजिएगा एक यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हम ओपन करेंगे तो हमारे फ्रंट कवर इसका खुल जाएगा गाइस। थोड़ा यहाँ से भी कर देते इस लॉक को, और ये हमारा निकल के बाहर आ चुका है। इसके बाद ऐसे हम जाएंगे दूसरी साइड में, यहाँ पे इसको भी यहाँ से थोड़ा हल्का सा प्रेस करेंगे बाहर को। अब फिर नीचे इसका एक लॉक होता है और एक ऊपर होता है। ध्यान से देख लीजिएगा कैसे प्रिंटर को मैं ओपन कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। अभी एक दोनों क्लिक करके ये हमारा कवर साइड का निकल चुका है गाइस, ये देख लीजिएगा। ठीक है, अभी हमें सारा कुछ खोलना, अब हम खोलेंगे इसका बैक वाला पैनल। अभी साइड के लॉक खोल देते हैं इसके, कार्टेज लीवर बोलते हैं उसको। ठीक है, अब ये रहा हमारा स्टील का पैनल नीचे वाला, ये बैक कवर कुछ इसको कुछ इस तरह से यहाँ से उठा देंगे ऊपर से, ये निकल के साइड हो जाएगा। अब बारी दोस्तों हमारे इसकी ऊपर वाले कवर की, कुछ इस तरह से इसको यहाँ से उठाएंगे हल्का सा, और ये भी हमारा साइड में हो जाएगा गाइस। तो गाइस अब बारी हमारी ये इसको खोलने के, लॉजिक कार्ड के कवर को। तो यहाँ पे दोस्तों तीन स्क्रू लगे रहते हैं। पहला स्क्रू मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये खुल गया। अब इसके बाद माफ कीजिएगा थोड़ा स्क्रू थोड़ा टाइट था। इसके बाद हम इस साइड्स का स्क्रू खोलेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से, और इसके बाद हम खोलेंगे ऊपर टॉप का स्क्रू, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से। दोस्तों ये हमारा इसका लॉजिक कार्ड है, इतना छोटा सा लॉजिक कार्ड होता है दोस्तों इसमें। ये इसको बाहर निकाल के हम रख देते हैं साइड में। अब बारी है गाइस हमारे केबल को खोलिए। ये हमारा फ्यूजर सेक्शन है, इसको कुछ इस तरह से यहाँ से खोल देंगे। ये हमारी सारी केबलें लगी हुई हैं इसकी फ्यूजर की, इसको कुछ इस तरह से निकाल देंगे आराम से। ध्यान से देखना गाइस इसको, कुछ आराम से कुछ इस तरह से इसको निकाल देंगे इस पे। तो गाइस ये हमारे सारे केबल कनेक्शन हमने निकाल दिए इसके। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे रहते हैं स्क्रू, वो स्क्रू कैसे खोलते हैं उस चीज़ के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। पहले हम एक केबल इसके निकाल देंगे सारे यहाँ से कुछ इस तरह से। थोड़ा कैमरे का एंगल नहीं बन पा रहा सही से,
इस तरह से हम इसकी सारी केबलें या कनेक्टर कुछ इस तरह से इसको निकाल देंगे इसमें। ये तो दोस्तों अब जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस वीडियो में, यहाँ पे एक स्क्रू इसका यहाँ पे होता है, ठीक है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और दोस्तों एक स्क्रू यहाँ ऊपर होता है, ये यहाँ पे देख लीजिएगा, ये वाला स्क्रू कुछ इस तरह से हम इसको रिमूव करते हैं। और इसके बाद दोस्तों एक स्क्रू होता है इसके नीचे या अंदर, इस पर स्क्रू अभी है नहीं शायद, तो अब इसको हम यहाँ से उठा के, ये हमारी फ्यूजर सेक्शन अलग हो गया गाइस। तो दोस्तों अब प्रिंटर को रखते हैं साइड में, अब काम करना हमें फ्यूजर असेंबली पे। ये पेपर देख लीजिएगा कुछ इस तरह से इसमें फंसा हुआ बार बार, यहाँ पे दो स्क्रू हैं। अब चलिए इनको खोलते हैं कुछ इस तरह से। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें यार, काफ़ी अच्छा अच्छा रिस्पांस मिल जाता है उन लोगों का। ठीक है, अभी हमने खोल दिया इसका टॉप कवर, इसको रखते हैं साइड में। अब ये दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, इसके अंदर ये कागज़ यहाँ पे अटका हुआ है, अभी देख लीजिएगा थोड़ा इसको घुमा के, ये हमारा बाहर आ चुका है। ये देख लीजिएगा, ये पेपर कुछ इस तरह से इसमें आके फंस जा रहा है। तो अभी क्यों फंस रहा था वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो चलिए इसको भी रिमूव कर देते हैं कुछ इस तरह से। ये हमारा एक्चुअली क्या होता है कि हीटर रोलर है, हीटर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे दो स्प्रिंग खोलनी है इसकी। अब लेंगे हम यहाँ पे एक माइनस वाला पेचकस, कुछ इस तरह से इसको निकाल देंगे यहाँ पे। इसको करें हमने ऊपर ये रख दिया साइड में, और ऐसे हम जाएंगे दूसरी साइड में। यहाँ पे देख लीजिएगा ये वाली स्प्रिंग, इसको भी हम निकाल देते हैं। जैसे देख पा रहे हैं ये हमने निकाल दी साइड में, अब निकाल देंगे हम इसका टेफ्लॉन कवर ऊपर वाला। इसमें तो हमारे दोस्तों ये ठीक है, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं दिख रही हमें, ठीक है। तो ये गाइस ये रहा आपके सामने, यहाँ पे ये देख लीजिएगा, ये जिसने भी भाई ये लगाया, ये लोकल वाला लगाया गया इस पर प्रेशर रोलर, ये ध्यान से देख लीजिएगा, ये पन्नी वाला वो है, ये देखो, ये देख लीजिएगा कुछ इस तरह से, ये पूरा वहाँ से पन्नी निकल निकल के यहाँ तक पहुँच चुकी है, ठीक है। इस पे फिर आप क्या हो रहा है, पेपर आके यहीं चिपक रहा है इस पे। तो चलिए इसको दूसरा डालते हम, ये रहा आपके सामने, ये थोड़ा फोकसिंग बन पा रहा कैमरे का, ठीक है। तो अब कैसे इसको लगाते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये रहा हमारा नया प्रेशर रोलर, कुछ तरह से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देख लीजिएगा आप, ध्यान से देखिएगा कुछ इस तरह से, ये आया गाइज हमारा चमचमाता हुआ प्रेशर रोलर। अब ये लगाएंगे हम इसमें, ये देख लीजिए कितना डिफरेंस आ रहा दोनों में। अब गाइज इसमें क्या होता है कि ये गियर हमें इस पे ये लगाना पड़ता है, पुराना गियर, गियर इसमें आता नहीं अलग सा। तो हमें क्या करना है, ये निकाल के हम इसमें कुछ इस तरह से इस पे लगा देंगे, जैसा आप देख पा रहे हैं फिट हो गया इसमें। अब चलिए इसको लगाते हैं उसके अंदर, पुराना रख देते हम साइड में। अब इसको कुछ इस तरह से इसमें लगा देंगे, ध्यान से लगाना आराम से कुछ इस तरह से। अभी दिखाता हूँ आप लोगों को एक मिनट में, ये अब जैसा आप देख पा रहे हैं बिल्कुल हमारा इसमें लग चुका है, ये प्रेशर वाला हमारा 1100 वाट का, ठीक है। अब ये लगा लेते हैं हम इसका टेफ्लॉन हीटर रोलर, कुछ भी आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। बाहर लगी है टेफ्लॉन तो अंदर इसके हीटर है, तो हम ये टेफ्लॉन हीटर रोलर बोल देते हैं इसको, आप अपनी भाषा में कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसको लगाने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पे इसके ऊपर वाले लीवर, और इसको भी हम कुछ इस तरह से इस पर लगा देंगे, ठीक है। लगाने के बाद दोस्तों हम इस पर लगाएंगे ऊपर इसके स्प्रिंग वाली कुछ इस तरह से, ध्यान से लगाना ये कुछ इस तरह से। और जैसे हमने इसको निकाला था ऐसे हम इसको वापस इस पे लगा देंगे। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों, आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है,
वीडियो काफ़ी लोग देते हैं लेकिन यार पता है क्या, सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग। सब्सक्राइब कर दिया करो यार, आप फ्री है, आपके सामने जब भी वीडियो आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हैं तो हमें अच्छी खुशी मिलती है, ठीक है। तो चलिए दिखाता हूँ आपको एक बार कुछ इस तरह से। ये थोड़ा हम प्रेस करा, अभी स्प्रिंग्स को हम खींच के नीचे से पे हुक पे लगा देंगे कुछ इस तरह से। केयरफुली करना है, कभी कभी ये स्पीड से निकल जाती है दोस्तों। ये कुछ इस तरह से देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब जो हमने केबल निकाली थी इसका कनेक्टर, अब इसको हम उसी की दिशा में लगा देंगे कुछ इस तरह से। हमने इसको लगा दिया, इसे फिट कर दिया है, ठीक है। ये देख लीजिएगा कुछ इस तरह से हमारा फिट होने के बाद दिख रहा है गाइस। अब लगाएंगे हम इसके ऊपर वाला कवर, फ्यूजर कवर को कुछ इस तरह से इसमें लगा देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से बस लगाएंगे इसको ये। और एक यहाँ पे अब दो स्क्रू इस पर लगाएंगे हम। ये थोड़ा कैमरे के एंगल मेरा ख़राब हो रहा है, शायद आप लोगों को दिख नहीं पा रहा होगा। अब लगा लेते हैं इस पर गाइस स्क्रू। दो स्क्रू लगेंगे, एक यहाँ लगेगा, एक लेफ्ट में एक राइट में कुछ इस तरह से। ये स्क्रू भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं कुछ इस तरह से। अगर छोटे से काम ना चले तो बड़ा वाला पेचकस आप यूज़ कर सकते हैं इसमें कुछ इस तरह, जैसे मैंने करा यहाँ पे, ठीक है। इनको थोड़ा और कस देते हैं कुछ इस तरह से, देख लीजिएगा। अभी हमारा जो है फ्यूजर सेक्शन जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। कुछ इस तरह से ये देख लीजिएगा, पूरी पैकिंग जैसे मैंने खोला था ऐसे ही इसको वापस लगा दिया है। घुमा के देख रहा हूँ तो प्रॉपर सही घूम रहा है गाइस, ठीक है। चलिए अब बारी आती है इसको प्रिंटर में कैसे लगाते हैं, वो भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसको कुछ ये वाला हिस्सा ऊपर रहेगा, ये गियर वाला उस साइड को रहेगा कुछ इस तरह से। ये इसमें बैठ जाएगा गाइस, जैसा आप देख पा रहे हैं ये लग गया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा यहाँ से एडजस्ट करेंगे और ये फिट हो गया हमारा। तो चलिए लगाते हैं इस पर स्क्रू। यहाँ पे एक स्क्रू हमारा यहाँ पे लगेगा कुछ इस तरह से। अब ऐसे दोस्तों यहाँ स्क्रू लगेंगे हमारे इस गियर वाले साइड में, एक यहाँ ऊपर लगाएगा ये कुछ इस तरह से। और एक स्क्रू लगेगा हमारे यहाँ जहाँ पे गियर दिख रहा है आप लोगों को, इसके बीच में कुछ इस तरह से। यहाँ पे हम यहाँ ऊपर से लगाएंगे इसको कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप जब भी लगाओगे तो मैग्नेट वाले का ही यूज़ करना, जिस पेचकस पे मैग्नेट हो, नहीं तो वो स्क्रू क्या है हमारा निकल के अंदर गिर जाता है। तो यहाँ पे मैग्नेट वाला ही स्क्रू ड्राइवर आप यूज़ करें जैसा भी मैंने करा, ठीक है। तो अब लगा लेते हैं हम इसकी केबल कुछ इस तरह से। ये लगा दिए, अभी हम जैसा हमने इसको निकाला था ऐसे हम इसको वापस लगा देंगे कुछ इस तरह से गाइस। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे कुछ इस तरह से हम इसको लगा देंगे। ध्यान पूर्वक लगाना है दोस्तों इसको, है ना, कि इसमें हड़बड़ा हड़बड़ाहट की जरूरत भी नहीं है। जैसे आप प्यार से खोलते हैं तो उसी हिसाब से आप इसको इसमें लगा सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है दोस्तों। ये हर कोई कर सकता है, एक बार गलती करेगा, दो बार गलती करेगा, तीसरी बार खुद ही खुद लगा लेगा इसको। और ये हमारे फ्यूचर का
कनेक्शन यहाँ पे, इसको हम इस कुछ इस तरह से लगा देंगे इस पे, ये भी हमारा बिल्कुल फिट हो चुका है। अब रहेगी हमारी ये वायर वाली केबल, ये हमारे अर्थिंग की है, ग्राउंडिंग की बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। इसको कुछ इस तरह से लगा के इसको भी हम फिट कर देते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे इसकी जगह, ये देख लीजिएगा, यहाँ पे लगती है दोस्तों केबल कुछ इस तरह से। तो दोस्तों मैं बार बार बोलता हूँ कि प्लीज़ अगर चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ताकि आप लोगों के लिए मैं और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आ सकूं, ठीक है। अब बारी दोस्तों हमारे इसमें ऊपर टॉप कवर, या जाली बोलते हैं उसको, टॉप कवर ही बोलते हैं, ठीक है, डोर कवर बोलते हैं। अब इसको हम कुछ इस तरह से इस पर लगा देंगे। अब ये रहे हमारे फ्यूजर के हैंडल इसके अंदर, और ये वाला लीवर, हमारा लीवर का हैंडल उसके अंदर, यहाँ पे कुछ इस तरह से लग जाएगा। अब लगा देंगे हम साइड इसका कार्टेज लीवर का लॉक, ये देख लीजिएगा, प्रॉपर ढंग से काम करना चाहिए गाइस इसको। अब बारी आती है हमारे इस पे पीछे वाला पैनल लगाने के लिए, ये वाला कुछ इस तरह से हम इस पे लगा देंगे इसको। ये लग गया हमारा, फिट हो गया बिल्कुल, ठीक है। अब हमारे साइड कवर कैसे लगाते हैं वो भी आप लोगों ने वीडियो में देख लिया होगा, ठीक है। इसकी बारी, अब ये रहा हमारा लॉजिक कार्ड कुछ इस तरह से, इसको हम लगा देंगे आराम से, बैठाएंगे यहाँ पे, लॉक होता नीचे, अभी बैठाने पूरे ढंग से, ठीक है। अभी जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रू लगा देंगे हम कस के यहाँ पे गाइस। यहाँ पे भी हमारे तीन स्क्रू लगते हैं, एक यहाँ, ओ आराम से एक लगेगा हमारे यहाँ साइड में, देख लीजिएगा, एक ऊपर। तो हम पहले ऊपर वाला लगा लेते हैं कुछ इस तरह से, बारी हमारे इस वाले स्क्रूप की, तो चलो इसको भी लगा लेते हैं। आजकल तो दोस्तों यहाँ पर ना बारिश हो रही है बहुत तकड़ी, कल ही पूरे दिन भर यहाँ पर बारिश थी, आज ही पूरे दिन भर यहाँ पे बारिश है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है पूरा। अब लगाएंगे हम इस पे साइड कवर कुछ इस तरह से, ये देख लीजिएगा, इस पे आगे पूरे लॉक लगे रहते हैं, कि कैसे लगाना है उस हिसाब से आप इसको लगा सकते हैं। थोड़ा तो माफ कीजिएगा, थोड़ा कैमरा का एंगल सही नहीं आ रहा मेरा, थोड़ा घुमा देते हैं इसको कुछ इस तरह से, देख लीजिएगा। अब लगाएंगे हम इस साइड वाला कवर, ये रहा इसका कवर, ठीक है, ये लगेगा हमारे साइड में कुछ इस तरह से, आराम से लगाना है दोस्तों इसको, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब जैसे आप देख पा रहे हैं ये भी हमारा इस पर बिल्कुल फिट आ चुका है। दोस्तों अब बारी आती है हमारे आगे की फ्रंट कवर की, तो ये हमारा आगे का कवर है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंटर मॉडल नंबर सब कुछ, इसको कुछ इस तरह से इस पर लगा देंगे, ये देख लीजिएगा। बस कुछ नहीं होता है इसमें, लॉक सिस्टम होते हैं, सारे लॉक करके इसको लगा दिया। अभी हमारा प्रिंटर देखो पूरा एकदम फर्स्ट क्लास फिनिश हो गया। तो चलिए लगाते हैं उसमें पावर केबल, फिर दिखाता हूँ आप लोगों को। अब दोस्तों अभी यहाँ पे देखो, जब भी आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर आपका ना चल रहा हो, तो आप कैसे इसमें सेल्फ टेस्ट निकालेंगे, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को इसमें बताता हूँ। तो देख लीजिएगा, इसको ऑन करता हूँ, अब लगाते हैं इसमें, पेपर लेके आता हूँ ज़रा।
तो ये रहा हमारा पेपर, ठीक है, इसको लगा देते हम इस साइड से। अब ये कवर दोस्तों करेंगे हम 9 बार प्रेस करेंगे इसको। अब जैसे हमने इसको 9 बार इसको प्रेस करा, ठीक है, अभी इसमें क्या आएगा, इंजन टेस्ट पेज आएगा। चलो भाई खींचो, जल्दी खींचो खींचो खींचो। ए गाइस, नहीं गया अंदर। अब ये दिक्कत आ गई यहाँ पे, एक्चुअली पिकअप रोलर पे इंक गिर गई, यहाँ पे स्लिप हो रहा है, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, इसको पलटते हैं कुछ इस तरह से, फिर लगा देंगे। फिर दोबारा हम सेम वही करेंगे जो हमने पहले करा था, देख लीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा इंतज़ार करते हैं इसका, प्रिंटर घूम रहा अपना काम कर रहा है। अब बारिश पेपर को अंदर जाने की, तो चलिए भाई चलिए चलिए। ये देखिए गाइस, गया अंदर, आप ये आ गया हमारा पेपर निकल के बाहर। अब दोस्तों यहाँ पे ये आपको ये लाइन सी दिख रही होंगे ना, ये बिल्कुल प्रॉपर लाइन आ रही है, इसका मतलब हमारा प्रिंटर सही है। बाकी जो साइड में आ रहा है ये हमारे कार्ट्रिज का इशू है। कोई नहीं, उस पर भी आप लोगों को एक वीडियो बना दूंगा जो ये देख पा रहे हैं आप लोग। ये एक्चुअली हमारा ड्रम ख़राब हो चुका है साइड से, ठीक है, और ये अंदर भी बहुत सारी इंक गिरी हुई है, इसको भी थोड़ा क्लीन करूँगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, और इस पर देख लीजिएगा यहाँ से ये पेपर पे चिपक के जो आ रहा सारा। और ये हमारी कार्टेज है, इसमें 88 है, ठीक है, ये देख लीजिएगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ताकि आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो में लेके आ सकूं। बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, बाय।